हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म। हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा हैं, हमें मुक्ति हैं। नारी को अबला ना समझें, बस विश्वास करें। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी। जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे 90.4 हाफ लेमन रेडियो ही चट बढ़ाए। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। और जैसे कि आप सभी को बताएं कि हमने एक प्रोग्राम की सीरीज शुरू की है, नाम है उसका नारी संघर्ष और सफलता। कई बार होता है कि चीजें अलग अलग नजर से देखी जाती हैं। इंसान एक हो लेकिन देखता अलग अलग लोगों को अलग नजरिए से। अगर कोई पुरुष है तो उसको अलग नजर से देखती है सोसाइटी, अगर कोई महिला है तो उसे अलग नजर से देखती है। तो इसी को हम बराबरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबके अधिकार एक से हैं, सबकी चाहत एक सी है। आकाश एक है तो उड़ान भी एक सी होनी ही चाहिए। तो जिन लोगों ने उड़ान भर ली है उनको हम जोड़ते हैं अपने रेडियो से, यानी कि 90.4 हाफ लेमन रेडियो से, और वो आपको करेंगे इंस्पायर, आपको करेंगे मोटिवेट उनकी स्टोरी। तो चलिए एक और कहानी के साथ आज वेलकम करते हैं स्टूडियो में श्रुति भार्गवा, जिनको अंटार्कटिका गर्ल भी कहा जाता है। आप चौंकेंगे कि आखिर अंटार्कटिका गर्ल क्यों, तो उसका भी जवाब हम ढूंढेंगे आपके सामने ही। तो बने रहिए हमारे साथ यहीं पे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्रुति भार्गव जी का अपने इस रेडियो चैनल 90.4 हाफ लेमन रेडियो, जो आजमगढ़ का पहला और इकलौता रेडियो स्टेशन है। तो श्रुति भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू आदिल। श्रुति आजमगढ़ से हैं? हाँ जी, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं, और जिस भी स्कूल में पढ़ रही हूँ आजमगढ़ के, ना जाने कितने ही लड़के और लड़कियों ने पढ़े होंगे, लेकिन सबका रास्ता अलग होगा, सबका टारगेट मंजिल अलग होगी। तो कैसे शुरुआत हुई आजमगढ़ से, वो सफर हम जानना चाहते हैं, और अंटार्कटिका तक जाएंगे हम, आपकी हर सफलता को देखेंगे, हर ऊंचाइयों को बुलंदियों को जानेंगे, और बताएंगे आजमगढ़ को कि कहीं ना कहीं अगर मेहनत करेंगे आप तो सारी जो बंदिशें हैं, जो बाउंड्रीज है ना, वो आप तोड़ सकते हैं, आप छलांग लगा सकते हो। स्कूलिंग से शुरू करते हैं। मेरी स्कूलिंग लोअर प्रेप से 12th तक चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ से हुई, ICSE बोर्ड से। और उस स्कूलिंग का इफेक्ट ये था कि यू नो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत स्ट्रांग थी, बिकॉज उसका प्रेफरेंस था, इट वॉज वेरी पर्टिकुलर इन द स्कूल की हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। आफ्टर स्कूलिंग आई डिड ग्रेजुएशन शिबली कॉलेज। व्हाइल आई वाज बिटवीन स्कूल एंड ग्रेजुएशन आई डिड माय NCC कोर्स, जिसमें मैंने बी सर्टिफिकेशन किया, सी सर्टिफिकेशन किया। उस NCC में सी सर्टिफिकेशन इज द हाईएस्ट सर्टिफिकेशन। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। जब ये कोर्स कर रही थी मैं NCC का, हर एक जंक्चर कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है, और NCC करने से भी मेरे को बहुत फायदे हुए। बहुत अर्ली एज में, 17 ईयर्स की एज में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी माउंटेनियरिंग कोर्स करने का, जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था और सुना भी नहीं। तो ये कोर्स किया 28 डेज का। इस पूरे सर्कल में, NCC का कोर्स माउंटेनियरिंग के सर्कल में, आई लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट नेचर, अबाउट लीडरशिप स्किल्स, अबाउट मेरे खुद की क्या स्ट्रेंथ है बॉडी की और माइंड की, ये सब चीजों के बारे में पता लगा। तो स्कूलिंग वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एंड ग्रेजुएशन बींग इन द सेम सिटी कंटिन्यूड, एंड ग्रेजुएशन करते करते आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर कैट एग्जामिनेशन। वो एक टाइम था जब कैट का फॉर्म आजमगढ़ में मिलता नहीं था। वी यूज टू गेट फॉर्म फ्रॉम अ बैंक ब्रांच, SBI ब्रांच ऑफ वाराणसी। दैट वॉज द ओनली वे जिससे हमें फॉर्म मिल सकता था फिल करने के लिए। दैट हैपेंड, आई अप्लाइड फॉर कैट विद माई ओन प्रिपरेशन, गॉट थ्रू इट, एंड फिर मैं कलकत्ता चली गई थी पढ़ाई करने के लिए MBA के। Okay. उसके बाद से MBA के बाद से आई कंटिन्यूड माई प्रोफेशनल जर्नी 2008, एंड सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग इन मीडिया इंडस्ट्री। डिफरेंट मीडिया हाउसेस में काम किया है, तरह तरह की यू नो तरह तरह एक्सपीरियंसेस को गेन किया है, और अक्सर जब ये नाम आजमगढ़ आता है मेरी जर्नी में, तो ये सवाल होता है कि यू नो हाउ इज द प्लेस, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहां से कैसे निकल पाए और जो भी जर्नी रही है मेरी वो सब कुछ कर पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन पीपल्स माइंड, चाहे वो उस शहर के हों चाहे वो बाहर के, होने लगता है कि वहां के लोग बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, जो कि ऐसा नहीं है। वो चाहे मेरे साथ के स्कूल के
लोग हों, कॉलेज के लोग हों या जिनको मैं जानती हूँ मेरे एलुमनाई में हो, वो सब कुछ ना कुछ अनोखा और डिफरेंट कर रहे हैं अलग अलग फील्ड. सो व्हाइल आई वाज डूइंग आई स्टार्टेड माय जर्नी इन प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हर तरीके से इंडिपेंडेंट होना हुआ, वो होते हुए आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट. मेरा पोइम्स लिखना और एक्सप्रेस करना, चीजों को पेपर पे उतारना वाज अ वेरी यू नो ऑनगोइंग थिंग सिंस चाइल्डहुड. लेकिन कभी उस क्रिएटिविटी को उसके बारे में आगे नहीं सोचा रहा. बट व्हाइल दैट क्रिएटिविटी इज ऑन, सो दैट क्रिएटिविटी गॉट मिक्स्ड विद माय पैशन टू ट्रैवल. जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए, ट्रैवल करना शुरू किया. I still travel a lot and I love traveling. आपको travel करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नया experience करने को मिलता है और you know आप नई चीजें जानते हो, नए contacts बनाते हो और likewise so on. So जब travel शुरू हुआ, चीजें देखने को मिली और कई challenging चीजें भी experience करने को अभी भी मिलती हैं और पिछले मिली. वो करते कराते उस जर्नी में आई रियलाइज कि यू नो दिस क्लाइमेट चेंज के बारे में हम सुनते तो रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है ये जानते तो रहते हैं, बट कैन वी रियली डू समथिंग अबाउट इट. सो इसके बारे में पढ़ना शुरू किया. सो जो कि मेरा काम प्रोफेशन हैज नथिंग टू डू विद साइंस, आई यूज टू थिंक कि मेरा साइंस बैकग्राउंड कब काम आएगा. वो तब काम आया व्हेन आई एक्चुअली गॉट इंटरेस्टेड इन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दैट. सो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग दिस, मेरा ग्रेजुएशन और स्कूलिंग का जो पढ़ाई था, दैट वाज आई वाज एबल टू कनेक्ट दैट नॉलेज इन दैट फील्ड. एंड देन आई अप्लाइड टू गो टू अंटार्कटिका फॉर एन एक्सपेडिशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें 90 पीपल आर सिलेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड. सो या आई वाज वन ऑफ देम एंड आई वाज अपेरेंटली ओनली वन फ्रॉम ईस्ट यूपी टू गो टू दैट एरिया इन दैट ईयर. आई थिंक 2018, right? Yeah, 2018 I went. February 2018 is when I went there. And that has changed a lot for me. So when you were saying that we being called Antarctica girl, yeah, for Azamgarh or for the industry I work for the people I know, yeah, they know me from that name now because they don't know anybody who has gone there. That has been the journey to reach Antarctica. तो दोस्तों हमारे साथ इस वक्त हैं Antarctica girl श्रुति भार्गव. श्रुति से भी ढेर सारी बातें करेंगे, उनसे जुड़ी हुई बातें करेंगे, फिर उनके ट्रैवल से जुड़ी हुई बातें करेंगे. उनका कहना है कि ट्रैवल बहुत कुछ सिखा जाती है और कहते भी है ना शेर है एक बहुत ही मशहूर की धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो. तो हम भी किताबों को हटाकर देखेंगे और श्रुति की जुबानी सुनेंगे, कहीं और नहीं 90.4 हाफ लेमन रेडियो. ये चटपटा मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल. आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर. वेलकम बैक टू 90.4 हाफ लेमन रेडियो. ये चटपटा है मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल. प्रोग्राम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता और इस कड़ी में आज हम बातें कर रहे हैं श्रुति भार्गव से, जिन्हें अंटार्कटिका गर्ल भी कहते हैं. आजमगढ़ से निकली और अपने पंख को इतना फैलाया, इतनी उड़ान भरी कि आज मीडिया वर्ल्ड की एक जानी पहचानी नाम है. कैट क्वालिफाई किया आजमगढ़ में रह के, MBA किया, उसके बाद फिर एंट्री मारी मीडिया वर्ल्ड में और बहुत कुछ सीखा सफर से भी. आइए उनसे बातें जारी रखते हैं 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर. श्रुति आपको हम थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे. जैसे आपने कहा कि आप जब जॉब में आई तो लोगों ने पूछा कि आजमगढ़ से कैसे निकले. इनफैक्ट यही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि जो आजमगढ़ की जर्नी रही आपकी, यहाँ पे क्या चैलेंजेस आपने फेस किए एजुकेशन लेवल पे, या फिर कभी आपने सोचा होगा कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है, तो फैमिली से लेके सोसाइटी तक. क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है, खासकर लड़कियों की अगर बात करें ना, तो हर कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट देने को खड़ा हुआ रहता है. तो ऐसी सोसाइटी में आपको भी फेस करना पड़ा होगा कि तुम और माउंटेनियरिंग क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस उठे होंगे. तो कैसे उसका जवाब आपने ढूंढा और कैसे जवाब दिया एजुकेशन से लेकर आपको माउंटेनियरिंग तक. जी आई थिंक आपका फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली के लोग बहुत मैटर करते हैं, चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो. मेरे फैमिली में मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्किंग, तो और लेडीज स्पेशली. तो वो एक माहौल था जहाँ पे फीमेल्स वर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट एंड दे हैड वॉइस इन द हाउस, कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो बात सुनी जाती थी. तो मेरा जो डेवलपमेंट हुआ, मतलब नरिशमेंट हुआ, वो उस फैमिली में हुआ जहाँ पे फीमेल्स वर स्ट्रॉन्ग. सो स्ट्रॉन्ग फीमेल्स हैड एक्चुअली यू नो मेड मी ग्रो इन लाइफ. एंड इसलिए जब स्कूलिंग था, तो स्कूलिंग भी उस समय आजमगढ़ का जो बेस्ट स्कूल था वहां पढ़ाई करनी थी. दैट वॉज अ थिंग एंड दैट वॉज अ प्रियोरिटी. सो एजुकेशन वॉज ऑलवेज अ प्रियोरिटी फॉर द फैमिली. वो खाने को कम हो घर में चलेगा, बट एजुकेशन कम्प्लीट होनी हैज टू बी देयर. वो सबके माइंड में था.
एंड स्पेशली आई थिंक घर में जो डिसीजन लेता है वो अगर इस बात से कन्विंस है. एंड सरप्राइजिंगली मेरे घर में माय ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन हु एक्चुअली पुश्ड ऑल ऑफ अस नो मैटर माय सिबलिंग और कजिन्स इन द फैमिली कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही करना नो मैटर व्हाट. So even if you've got a job, even if you think that after graduation you'll be secured, she, according to her as a grandmother from that era, she was very clear that education completion is extremely important. So I think even if my father was okayish to whatever we wanted to do, my grandmother was very particular about education thing. And then in my house, the other members, my boas, both were working. So that mahal matters a lot. Secondly, you know, it's knowledge is power. And knowledge agar aapko hai, आपके पास इट्स नॉट अबाउट सर्टिफिकेशंस, इट इज अबाउट व्हाट डू यू रियली नो एंड हाउ मच कैन दैट नॉलेज एड अप टू वेयरएवर यू वांट टू रीच इन लाइफ. और आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, एनीथिंग. अ गुड कारपेंट्री आल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज. इट्स नॉट लाइक कि आपको बस कुछ कट करना है और बना देना है. सो एवरी वर्क एवरी स्किल कम्स फ्रॉम राइट नॉलेज. तो एजुकेशन से नॉलेज आती है और नॉलेज का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है. 90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चटपटा है. मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल. प्रोग्राम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता और इस कड़ी में हमारे साथ हैं श्रुति भार्गव, अंटार्कटिका गर्ल, मीडिया वर्ल्ड की एक जानी पहचानी नाम. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ यहीं पे 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर. Once again, welcome back to 90.4 Half Lemon Radio. ये चल पड़ा है. मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल और अभी हमारे साथ हैं श्रुति भार्गवा, जिन्हें अंटार्कटिका गर्ल के नाम से जाना जाता है. ये मीडिया की जानी पहचानी नाम है. MBA किया है और खुद एक्सप्लोर किया है अपनी एजुकेशन को, करियर को, और वो भी आजमगढ़ में रह के. तो क्या बेसिक चीज है जो एक स्टूडेंट को, एक किसी लड़की को अपनी फैमिली की तरफ से मिले, उस सिटी में मिले, वो जानेंगे हम श्रुति भार्गव से. आप जुड़ रहे हैं यहीं पे 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर, क्योंकि ये चटपटा है. मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल और हमारे साथ हैं अंटार्कटिका गर्ल श्रुति भार्गव. प्रोग्राम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता. श्रुति, कैसे एक्सप्लोर किया आपने अपनी एजुकेशन को आजमगढ़ में रहकर, ये जरूर बताइएगा. कितनी लिबर्टी चाहिए, किस तरह की फ्रीडम चाहिए एक स्टूडेंट को, एक गर्ल को, खासकर उस दौर में जहाँ पे इंटरनेट उतने बूम पे नहीं था, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आजमगढ़ में बहुत लिमिटेड थी. तो कैसे एक्सप्लोर किया आपने? I remember my father told me very clearly in childhood that he will not send me to. So there was a fashion in that time. I'm talking about early 2000s. That जैसे ही schooling पूरी होती थी, बच्चों को ना बाहर भेज देते थे पढ़ने के लिए. कोई medical की तैयारी करता था, कोई engineering की तैयारी करता था. That was a trend. That schooling पूरा होगा. अभी तो क्या होता है? अभी आप 10th class से ही IIT की preparation शुरू कर देते हो. उस time पे ऐसा नहीं था. थोड़ा सा डिफरेंट था. प्लस आपको इतने कोचिंग या गाइडेंस बहुत लिमिटेड था, एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था. शहर में अगर कुछ नया सीखना है तो माय फादर टोल्ड मी ही विल नॉट सेंड मी फॉर कोचिंग. आई नीड टू प्रिपेयर फॉर माय सेल्फ. एंड आई रिमेम्बर आई वाज एंग्री विद हिम कि ये क्या तरीका होता है. वी आर अ बैच ऑफ 33 स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड 32 वर आउट ऑफ द सिटी. आई वाज द ओनली पर्सन लिविंग इन दैट सिटी एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट आई हैव सच लिमिटेड वेज टू लिव. कैसे होगा, यू नो, व्हाट विल आई डू? I didn't know that time. But then I went in a way I went with the flow. I thank him for that, you know, that thing to, he told me ki tumhe jo karna hai wo khud se karna hai. Khud se explore karne ka bahut mauka mila aapko. हाँ, मतलब मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी. देयर वाज नो फैसिलिटेशन जो बाकी मेरे बैचमेट्स को मिलती थी उनकी फैमिली से. बट मुझे आई वाज थ्रोन यू नो अलोन इन द फील्ड की ओके यू फिगर आउट योर ओन वे, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू. सो आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय फैमिली गेव मी वाज फ्रीडम, जो काफी लोगों को नहीं मिलती. एंड फ्रीडम का मतलब ये नहीं था कि किसी को कोई मतलब नहीं है या वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे मेंटली या ऐसे कुछ. They used to keep an eye and keep a check. But yes, somewhere I had this opportunity and freedom to make my own decision and create my own path. But the thing is, when you do not have guidance, it's not easy to create your own path. Actually, it is easier said than done that, ठीक है, freedom है तो बढ़िया है, कुछ भी कर सकते हो. ऐसा नहीं होता है. आपको कभी बहुत कुछ चार लोग बताने वाले होते हैं आप क्या कर सकते हो, और आपको लगता है अरे यू नो दिस इज अ लिमिटेड थिंग दैट आई कैन फॉलो. सो आई थिंक एवरी सिचुएशन दैट अ पर्सन इज सराउंडेड विद इज एन अपॉर्चुनिटी. अगर हम उसको एक पॉजिटिव आउटलुक से लेते हैं तो हम उसका बेस्ट आउटकम निकाल ही लेते हैं.
So it is not about somebody has freedom or somebody does not have freedom. Yes, freedom is very important. But what is also important is कि आपके पास जितने भी सुविधाएं हैं, जितना भी opportunity है कुछ नया करने की, कुछ अपने तरीके से चीजें करने की, सबसे पहले तो अपने तरीका क्या है आपको ये पता होना चाहिए. और वो पता होने के लिए you need to have a very strong connection with your own self so that आपको ये पता हो. आजकल सबसे बड़ा problem तो यही है ना, internet is so strong and so wide that there's too much information. So there was a time when there was very less information and you had to go to the library to figure out what is the right thing for you and the right knowledge for you. Now you have so much of information on internet on just one click. To filter that information is also an art, and that is also a knowledge that you need to have. So times change and times evolve, and time ke saath you have to understand that, you know, what is really required for you. And then how do you really meet those needs and requirements in your life? तो अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दो चीजों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा आपको, एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. क्योंकि ये दोनों है ना एक बहुत बड़ा आर्ट है. अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हो या जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको है, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसे आप फिल्टर करके अपने यूज में, अपने इस्तेमाल में ले आते हो, अपने काम ले आते हो, ये बहुत बड़ी ट्रिक भी होती है, ये एक आर्ट है. 90.4 हाफ लमन रेडियो ये चल पड़ा है, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल. प्रोग्राम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता, और उसी सफलता की एक कहानी है श्रुति भार्गव की जुबानी. बने रही हमारे साथ यहीं पर 90.4 हाफ लमन रेडियो पर, ये चल पड़ा है. Once again, welcome back to 90.4 Half Lemon Radio. ये चल बड़ा है, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल. प्रोग्राम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता, और आज हमारे साथ है अंटार्कटिका गर्ल, लर्नर, एक्सप्लोरर, ब्लॉगर श्रुति भार्गव. हम बहुत हद तक बात कर चुके हैं, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आखिर कितनी इम्पोर्टेंट है गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ाना कितनी जरूरत है ताकि सोसाइटी हमारा और बेहतर बने. देश लगभग आधी पॉपुलेशन नारी जाति की है, उसे अगर एजुकेट करते हैं तो फिर कैसा रहेगा हमारा राष्ट्र, कैसा बनेगा देश, और कैसा रहेगा देश का भविष्य. जुड़ रहे, सुनते हैं 90.4 हाफ लमन रेडियो पर. आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लमन रेडियो पर. तो श्रुति, यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आजमगढ़ के स्टाइल में, यानी कि वो कॉमन पीपल भी समझे, कि पेरेंट्स जो है चाहे जिस भी इकोनॉमिकल ग्रुप क्लास के हों, वो अपने बच्चियों को कैसे, मतलब समझें उनको, या फिर कह लें कि उनको कैसे परमिट करें कि वो, जैसे लड़कियां यहाँ सिर्फ 10th 12th करके एक सिंबॉलिक जो एजुकेशन है वो पा करके शादी करके चली जाती हैं, तो पेरेंट्स को सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि वो सिर्फ 10th और 12th नहीं, उससे आगे भी वो कुछ कर सकती है, उन्हें समझना पड़ेगा. ओके, हर घर की ना अपनी अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति होती है. तो ऐसा नहीं है. सो मेरी फैमिली वॉज वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली, एंड वी वर ऑलवेज हैंड टू माउथ काइंड ऑफ सिचुएशन. बट क्योंकि एज अ पेरेंट अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाई करने देते हो, वो जो भी पढ़ना चाहे, आज तो स्ट्रीम्स इतनी सारी हैं कि इंटरेस्ट कैन वैरी. मतलब इंजीनियरिंग करने के लिए भी अभी वो नॉर्मल 3-4 ब्रांचेस नहीं है, देर आर हंड्रेड ऑफ ब्रांचेस इफ यू गो डीप. एंड सो एज पेरेंट्स अगर आप अपने बच्चों से बात करो और मे बी समझो कि क्या हो रहा है, तो आई टेल यू फनी थिंग. एट दैट टाइम व्हेन आई क्वालिफाइड कैट, माय फोटो एंड इंटरव्यू हैड कम इन द न्यूज़पेपर. इट वाज दैट बिग अ थिंग इन द सिटी. टुडे इफ दैट हैपेंस नोबडी बॉदर्स, राइट? एग्जैक्टली. दैट टाइम पीपल वर बॉदर्ड बिकॉज आई रिमेंबर, सो माय फादर, द शॉप इज स्टिल देयर बट ही हैड अ मेडिकल शॉप, इज अ फार्मासिस्ट, एंड पीपल यूज्ड टू कम टू सी हिम दैट आपकी बेटी ने ये कुछ एग्जाम क्वालिफाई किया है उसके बारे में जानने के. If I say that my father knew everything I wanted to do, no. But he just gave me a free hand. That he would just give me a support to whatever I want to do. He would not put that restriction on me. So I think, one, it is important to have very candid conversation as parents. आप अपने बच्चों से एकदम clear बात करें कि उन्हें किस चीज में interest है. और फिर खुद भी figure out करें कि क्या-क्या चीजें वो कर सकते हैं. और जहां तक लड़कियों की पढ़ाई की बात है, लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है.
इट इज नॉट ओनली फॉर फाइनेंशियल पर्पजेस कि वो पैसा कमा के लाएंगे और शादी के बाद भी पैसा कमा सकेंगे, दैट इज ओनली वन थिंग और ये बहुत लिमिटेड सोच है. लड़कियों को पढ़ाना इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां ही हैं जो एक्चुअली वो कहते हैं ना नस्ल कंटिन्यू करती हैं और उसको बेटर बनाती हैं. दे आर द पीपल बिकॉज इवेंचुअली जो घर के छोटे डिसीजंस बट बहुत सारे डिसीजंस होते हैं वो एक फीमेल लेती है. तो अभी मैं इस चीज को और कनेक्ट करूं क्लाइमेट चेंज से, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कपड़ा पहनोगे, कितने कपड़ों में गुजारा एक्चुअली अच्छे से कर सकते हो, क्या खाना आपके लिए पौष्टिक है, कितना खाना पौष्टिक है, कितने पानी में किस तरह का पानी आपके लिए ठीक रहेगा, आपको क्या टेम्परेचर सूट करेगा क्या नहीं करेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको एक्चुअली क्या इंटेक करना है. अगर हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की भी बात करें ना, अ फीमेल इज बॉर्न एंड हैज मच मोर स्ट्रेंथ मेंटली देन अ मैन. एंड अगर इमेजिन अ फीमेल को ये सब चीजें नॉलेज किस, तो कुछ चीजें तो उसको ऑटोमेटिकली जन्म से पता होती है, कुछ चीजें वो अपने आजू बाजू माहौल से सीख जाती है, फैमिली में देख के या सोसाइटी में देख के सीख जाती है. बट अगर उसे सच में वो नॉलेज प्रॉपरली दी जाए और पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ना तो वो खुद को अच्छे से रखेगी, हेल्दी वे में रखेगी हर तरीके से, मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली सोसाइटी वाइज इन एवरी वे, ऑल्सो हर फैमिली एंड एंटायर सोसाइटी. And if the family is taken care of, any society is taken care of, and the nation grows. So okay. It's said that, you know, when you educate one girl child, you educate a society kind of. You educate a man, you educate a man. Or you educate a boy, you educate a boy. A boy's education is important. But a woman's education, a girl's education is supreme. It is extremely important to educate a girl child. Correct. So, chalte chalte, ab ek message bas de dijiye bachiyon ke naam. Parents ka to ho gaya mamla. Ab bachiyon ko ki wo kaise khud ko analyze kare ki unhe क्या करना चाहिए. जो बच्चों को लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए. आपको हर वो चीज करनी चाहिए जिससे आपको आत्मविश्वास आएगा. अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है हमें अपने आंख कान खोल के रखने पड़ते हैं और अब जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब करें और कभी भी ये ना सोचें कि क्या होगा, करें और फिर देखें कि हाउ इज देयर इंटरेस्ट, हाउ इज देयर लाइफ चेंजिंग अबाउट इट. अगर उन्हें वो अच्छा लगे तो उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए. वो ये एक्सपीरियंस किसी भी तरह हो सकता है, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, वर्क रिलेटेड हो या फिर कोई शौक हो जिसको वो परस्यू करना चाहते हैं. बिकॉज एज फार एज एक होता है ना वो लिविंग अपना अर्न करने का, उसकी अपॉर्चुनिटीज आजकल बहुत है. मतलब तरह तरह के तरीके हैं जिनसे पैसे कमाए जाते, बट पैसा कमाना इज नॉट द ओनली गोल. ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कैसे इंटेलिजेंस को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम का सर्वाइवल मोड एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट का उसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस पे ध्यान रखना चाहिए. और जो भी आपके आजू बाजू अपॉर्चुनिटीज हैं उस लिमिटेड वे में ही अपने आप को बेस्ट रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. बहुत अच्छी लगी आपकी जर्नी जान के. बहुत मुझे तो उम्मीद है कि बहुत लोग इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी से. थ्रू आउट द करियर आपने बहुत अच्छा किया है, सेल्फ मेड आप हैं और मुझे लगता है कि जो बाकी लोग सुनने वाले हमारे दोस्त जितने भी, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, सभी इंस्पायर होंगे. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो आजमगढ़ बहुत मुमकिन है कि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, इनफैक्ट आपकी अपनी स्टोरी अच्छी लगी होगी. कहीं ना कहीं ये किसी को इंस्पायर करेगी तो उनकी अपनी स्टोरी बन जाएगी. जुड़े रही हमारे साथ 90.4 हाफ लवन रेडियो पर. और कुछ भी अच्छा लगा हो आपको हमारा कार्यक्रम जो नारी संघर्ष और सफलता, इसकी शुरुआत जो हमने की है, इस पे कुछ भी आप कहना चाहें तो जरूर भेजिएगा हमें 8810782710 पे या फिर हमारी इनसाइडी हाफ लवन 90.4 पे. अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी न किसी स्टोरी के साथ. आजमगढ़ की कहानी होगी उन्हीं की जुबानी होगी, एक नारी और संघर्ष और सफलता की कहानी होगी. 90.4 हाफ लवन रेडियो, शीचर बड़ा है. हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म. हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा हैं, हमें मुक्ति हैं. नारी को अबला ना समझे, बस विश्वास करें. 90.4 हाफ लवन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी. जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे.